हाँ बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। तुम तो दूध के धोले हो बिल्कुल। बेटे ये तुम्हारे चक्कर में मैं तो बुरी तरह से फंस गया। बेटे अब कोई बला सर पर आई है उसे तो टालना ही है, शराब का तकाजा है। आज उसका आदमी आता होगा, आज या तो रुपए लौटाने पड़ेंगे या उतने के गहने देने पड़ेंगे। तुम्हारी क्या सलाह है? अब इस विषय में मैं क्या सलाह दे सकता हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बात को वो आसानी से नहीं माने। और माँ तुम तो जानती हो, चढ़ावे में चंद्रहान ना जाने को उसे कितना बुरा लगा। प्रण कर लिया है जब तक चंद्रहान ना बन जाएगा कोई गहना ना पहनू। यही तो मैं इन्हें समझा रही हूँ। धोना धोना मच जाएगा बाबूजी। हाँ। और इसके साथ ही हमारे घर का पर्दा भी खुल जाएगा। बेटे बहू से पर्दा रखने की क्या आवश्यकता है, हम तो कहते हैं उसे यथार्थ स्थिति बता दो। पर्दा तो एक रोज खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा क्या होगा? यही होगा कि वो हमें नीच समझने लगेगी। हाँ, चारों ओर बदनामी हो जाएगी। आप समझती क्यों नहीं बेटे? हाँ? तो हमने उसे ये कब कहा था कि हम कहीं के टाटा बिड़ला है? तो आपने ये भी कब कहा था कि हम उधार के आभूषण ला रहे हैं और दो चार दिन में लौटा देंगे? आखिर ये सारा स्वांग आपने अपनी धाक बढ़ाने के लिए किया था? नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ उपाय तो सोचना पड़ेगा। उपाय भी कौन सा किया जाए? यदि कहा जाए कि किसी को मंगनी देना है तो शायद ना देंगे, और देगी भी तो दो चार दिन में लौटाएंगे कैसे? एक उपाय सुझाए, बहू से जो मंगनी के लिए गहने लेंगे ना, उसके बदले में नकली गहने लौटा देंगे। हाँ, फिर बाद में पता चलेगा कि नकली है तो लचीला होना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि तो काम नहीं करती। हाँ वाकई मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं करती। क्या करे, समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं बहू को यथार्थ स्थिति बता दो बेटे। थोड़ी देर के लिए दुख जरूर होगा लेकिन फिर रास्ता खुल जाए। हरगिज नहीं, इससे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। जब वो मुझसे पूछेगी कि तुम्हारे बैंक के रुपए कहाँ गए, तुम्हारी जमींदारी का क्या हुआ? जमींदारी? हाँ, तुम उसे क्या उत्तर दूंगा? खैर आप क्या समझेंगे बाबूजी? आप इस शराब को दो चार महीने के लिए टाल नहीं सकते? नहीं, लगता है मुझे को कुछ करना। आप क्या करेंगे? मुझे कोई कोई संकोच नहीं है बहू से बात करने में, ना मुझे कोई पड़ता है। मैं सीधा जाके बहू से कहते क्या संकोच नहीं, कैसी बातें करते हैं आप, अच्छे नहीं लगेंगे मानते हुए। आप यही ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। संकोच नहीं, जाओ जल्दी। अरे अब खड़ा क्यों हो गया मामला? अरे शर्म आती है। बरात लेके गया था 15 दोस्तों की, तब शर्म नहीं आई? मेरे चक्कर में भाग ले गया। और बेटे अपने पत्नी से बात करने में कैसा पड़ता है, कैसी शर्म? तुम चाहो तो मान सकते हो, हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। ये भी है, कोशिश तो करो। जाओ जाओ। अरे अब रुक क्यों गए भाई? शर्म आती है। शर्म आती है, अजीब इंसान, ना खुद मांगेगा ना मुझे मांगने देगा, आखिर ये नाव कैसे चलेगी बेटे? और बेटे इंसान के जीवन में ऐसे दिन कब नहीं आते। चाहो तो अपनी मां से पूछो। मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि मेरा आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहनकर बैठी रहूं, वरना आज मेरे पास गहने ना होते। एक एक करके सब निकल गए। इन्हें मांगना ही पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। मैं मांग तो नहीं सकता। तो फिर कहो तो उठा लाऊं। उठा लाऊंगी। हाँ, बहू से छिपा कर। तो आप क्या समझ? ना ना, मैंने कभी किसी के साथ जाल नहीं किया, वो भी अपनी पत्नी के साथ। अपनी पत्नी के साथ करोगे? अरे कल से वो उसे पता पड़ेगा तो हम लोग क्या समझेगी? बेटे उठा लाने से बेहतर है उसे मांग लाओ। आपको इससे क्या मतलब? आप तो मुझसे चीजें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे कि ये नौबत आएगी तो इतने गहने ले जाने की आवश्यकता क्या थी? इसे कई लाख गुना बेहतर था कि जितना आसानी से ले जा सकते थे उतना ले जाते। अम्मा मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि हम फटे हाल। फटे हाल अर्ज किया है, अर्ज किया है कि बाद मुद्दत के आज मिली हो तुम, बाद मुद्दत के आज मिली हो तुम, ये जो थोड़ा सा भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है।
का गोलगप्पा है? गलत। तो उम्मीद की पोटी होगी? फिर गलत। तो स्नेह की पिटारी है? ठीक, आज मैं तुम्हें पुष्पों की देवी बनाऊंगा। पता कैसे? क्या सपना देख रही थी? सपना देख रही थी?
मानो कोई चोर मेरे गहनों के संदूक चुरा ले जाता। क्या चोर? कहां से? कहां? ये क्या देख लिया? अरे वहां मत जाओ। मेरे गहनों के संदूक चुरा रही है, मेरे गहने चोरी हो गए। जाओ। Yeah.
अरे प्रेमिका की रस भरी बातों का मजा ये बुड्ढा कहाँ दे पाएगा तुझे? जोड़ी का कुछ पता चला? कहाँ पता चला? अरे डाडो छुट्टो जो बढ़िया हो गया। अच्छा हुआ बाबा, अच्छा हुआ कि थाने में लपट नहीं लिखाई, वरना 100-200 के मसले और चढ़ जाते। बहू को तो बहुत चुप हुआ होगा। कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है, मैं तो परेशान हो गया, जी करता कहीं भाग जाओ। बैठे बिठाए मैं इस माए जाल में फंस गया। आप बताइए कुछ नौकरी का सहारा है? अरे बाबा पहले केस को सही ना, फिर सोचेंगे क्या कर। सेल मिल आज तो मन ही नहीं करता। अरे तो चार चाले तो चल बाबा, चौकड़ी जो चौकड़ता मन नहीं करता, मन नहीं करता, चल तो। देखो भाई मैं तेरे लिए एक जगह सोच रहा हूं, अरे वेतन जड़ा करो मात्र 30 रुपए। अरे चाहो तो कर लो बाबा, आए तो 30 है, आए की छटना बाबा, जगह आमदनी की है। देखिए रमेश बाबा, आमदनी की मुझे परवाह नहीं और रिश्वत कोई अच्छी चीज नहीं। अच्छा अब आप इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो फिर कर लो। गिड़गिड़ा बताओ। अरे भैया रिश्वत टूटी चीज नहीं है, मुख्य भी खबर। मुख्य नु खबर? अरे बाबा मुझे भी पता है बाबा। ठीक है, पर छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, उनका भी तो ख्याल रखना है। मेरे नहीं है। अरे तो आगे तो होंगे ना, या बूढ़ नहीं है? हाँ ठीक है। तो भाई ऐसा है कि जब तक सबकी आमदनी इतनी ना हो जावे कि भलमनसी से ईमानदारी से गुजारा कर सके ना, तब तक तो रिश्वत बंद ना होगी बाबा। ये तो है। हैं? ठीक है, अब वही दाल रोटी और वही घी दूध खाते हैं, वही एक को 30 मिलता है और दूसरे को 300। बता बता। तो तू एक काम कर, झूले लाल का नाम ले और कल ही अर्जी दे। झूले लाल? अरे बाबा भगवान मेरा, झूले लाल का नाम ले और कल ही अर्जी दे। ठीक है भाई, मेरे को उम्मीद तो है कि तुझे जगह मिल जाएगी। मिली जाएगी? मिली मिल जाएगी, पर जिस दिन जगह मिले मुखागढ़ खेड़ में पहुंच दो। मड़ा गिंदा बंदे मचला नहीं। अरे मेरे साथ खेलना पड़ेगा। क्या रमेश बाबू,
मुझे भी इस मैली गद्दी पे बैठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कुर्सी लगवाई और चपरासी को आगे दीजिए कि एक व्यक्ति से अधिक मेरे सामने ना आने पाए। अरे पापा, अभी नया जोश है, नई सनक है, चांस संभाल। प्रत्येक बिल्टी पर एक आना मिलेगा। कितना? एक आना। एक आना कुलियल गाना। कुलियल गाना? अरे पापा, खुली हुई बात है। अच्छा अच्छा, लोग शौक से देते हैं, अपने आप देते हैं। अच्छा, तू बड़ा आदमी है बाबू, ये रसम नहीं बिगाड़ना। ये एक आना आधा आना चपरासी का लेना बड़ा गंदा काम है। रमेश बाबू, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। अभी गंदा मालूम होता है, बाद में इसी में आनंद आएगा। लाइन में आओ। अरे लाइन में आओ। अरे लाइन में तो बाबा, लाइन में तो सुनता नहीं था क्या बोलता? लाइन में आओ एक बार। अरे लाइन में तो बाबा, लाइन में तो। ये नहीं, वो साहब वाला। अच्छा साहब वाला। अरे बाबा सुनता नहीं, सो क्या बोलता है? लाइन में जाओ। याद रखना, माल की तौल नाप और परख में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे शाबाश बाबा शाबाश, ऐसे ही काम करेगा ना तो डाटो मथे वेंदे। डाटो मथे वेंदे? अरे बहुत ऊपर जाएगा बाबा, बहुत ऊपर जाएगा। चाहे मेरे जो चाहे करो, तुम पर आज नहीं आएगी बाबा। सब जानते हैं कि चोरी हो गई, और आज के जमाने में ये 2-4 हजार के गहने बनवा लेना कोई मुंह का टुकड़ा नहीं। और वैसे भी कौन जानता था कि विपत्ति तुम्हारा ऊपर ऐसे आ जाए। मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूं ना, जो भाग्य में लिखा था वो हो। जालपा, तुमसे एक सलाह करना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो पूछे। क्या बात है? अगर तुम्हारी राय हो तो किसी शराब से वादे पे गहने बनवा लो, इसे कोई नुकसान भी नहीं, और धीरे धीरे करके उसके साथ मुकाबला भी करो। लेकिन इतने पैसे तुम्हारे पास न जाने कब तक होंगे? जालको, मैं सबसे पहले तुम्हें कंगन ही बनवाऊंगा। पैसे तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाले। अरे उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कंगन कैसे पसंद? मेरे पास उनका डिजाइनर फोटो पड़ा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखो सुनो, ये एक हजार का है और ये दूसरा वाला 800 का। 1,000 और 800? ऐसे कंगन तो शायद यहाँ मिले, पर मैं शराब से बात जरूर करूंगा। इतने रुपए तुम्हारे पास न जाने कब तक होंगे? बनेंगे नहीं। वैसे भी यहाँ कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है? जालपा, ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पे कितने अच्छे लगे। नहीं ये सुबह सुबह कहां चला गया था? बड़े बाबूजी के पास गया। बड़े बाबूजी? हाँ। अरे कुछ पुस्तकालय वगैरह भी चले जाए। इस उम्र कुछ पढ़ लिख लिया, वो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। गपशप में सारा दिन बिता दिया। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम वो करने लगे हो जो हमने कभी नहीं की। आखिर तुम्हें यह लग कैसे लग गई? किसने आपसे कहा? उसका नाम बताइए। किसने आपसे कहा? उसकी मूंछें ना उखाड़ी तो मेरा नाम रमानाथ थे।
किसी ने भी कहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये झूठ है, ये सच, ये सत्य है, ये सत्य है। क्या तुम दस्तूरी नहीं लेते? दस्तूरी? दस्तूरी कोई रिश्वत नहीं होती, सब लेते हो, खुल्लम खुल्ला लेते। मैं किसी से मांगने नहीं जाता। मेरा समझाना मेरा फर्ज था, समझना समझना तुम्हारा अख्तियार है। समाज कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बाबूजी कैसी बात से नाराज हो रहे थे? नहीं, ज्ञान दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है, बदनामी होती है, न जाने क्या क्या। तो तुमने नहीं कहा, आपने ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए, पूरी जिंदगी पेट काट दिया। अम्मा कहना तो चाह रहा था पर क्या चिढ़ जा, अब इन्हें कौन समझाए कि बनियों से रुपए ऐंठने के लिए बुद्धि चाहिए, दिल लगी नहीं। हाँ हाँ बस यही बात बेटा, जिन्हें लेना आवेगा वो अवश्य लेंगे, इन्हें तो बस घर में कानून भगाना आता है। सच कहते कानून ही भगाना। सुनिए ये कुछ चिट्ठियां हैं, रस्ते में डाक में डाल दीजिए। तुम्हें हार है हो? मैं तुम्हें आशीर्वाद
पकड़ाती हूँ। पर अम्मा से ये ना कहना कि उधार लाए। अरे हाँ हाँ, मैं तुझे साल भर में कोई नहीं मांगी। राधे राधे माता जी, राधे राधे बहुरानी, तो बताइए कैसे गहने दिखाऊं? अरे आप क्या बताएगी, चारदास खुद दिखाएगा। ये देखिए, खास बहुरानी के लिए खास खरे सोने के कंगन लाया हूँ। अरे ऐसे थोड़ी ना, पहन के देखिए। अरे अम्मा पहन के देखिए, अरे बहुरानी बहुत अच्छे है, बिल्कुल महारानी लग रही है। अब नजर ना लगे हमारी बहुरानी को। हाँ तो बहुरानी, एक चीज की कमी रह गई, इस हीरे की अंगूठी की कमी रह गई, इसे भी ले लीजिए। अरे पहन के देखिए, ऐसे थोड़ी ना पता चलता है। अप्सरा लग रही है बहुरानी, आज तो रमानाथ बाबू की नजर ठहर जाएगी हमारी बहुरानी पर। और भी बहुत कुछ लाया हूँ, देखिए ये हार, रानी हार है हमारी बहुरानी के लिए। और भी बहुत कुछ है, देखिए। हाँ बहुरानी, मोहल्ले में शोर मच जाएगा बहुरानी को देखकर। हाँ ये देखिए, कांस लाया हूँ बहुरानी के लिए। दास तो अच्छा ही माल लाता है माता जी। अरे रमानाथ बाबू आइए, अरे भाई इधर से आइए। अब आप ही देख लीजिए, बहू जी और माँ जी के लिए एक से एक गहने लाया हूँ। अब पसंद आए तो लीजिएगा, अब वरना ना लीजिएगा, कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं। पर हाँ, मेरा जी कहता है कि आज की बोनी तो आपके हाथ होगी भैया। चरणदास, मुझे अभी कुछ नहीं है, और औरतों की पसंद का कहूँ मत, इन्हें पसंद आने के देर लगती है। आप समझो मेरे हाथ खाली। अरे बाबूजी, बस ऐसी ही बात कहते थे कि वाह, आपका आदेश हो जाए 2500 तो योनि में चावर कर दीजिए रामदास। हैं, हम तो इंसान का मिजाज देखते हैं बाबू। हाँ अम्मा, बाबूजी कहाँ हैं? डॉक्टर गए। ये दोनों चीजें पसंद है, पसंद क्यों नहीं है? तुम भी अपने लिए कुछ ले लो ना। हाँ वाले तो मैं लेके क्या करूँगा, पहनने ओढ़ने के दिन तो गए। मैंने क्या कीमत दी जी माता जी? ये कंगन 700 रुपए और रिंग 150 रुपए पर सस्ता है। पर आप ही तो बहुत महंगे हैं। रहने दो, तुम बहुत महंगा है। हाँ भाई बहुत महंगे हैं, मैं अभी नहीं लेने। अरे बाबूजी, अब ऐसी बात मत कहिए, वो वैसे भी सब अमीरों की पसंद की चीजें हैं, पर गवार लगेंगे का तो क्या जा रहे भला है। जानपा, पर इन्हें समझाओ ना कि 850 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जरा, 850 तो वाकई बहुत ज्यादा है। हम 700 में देने हो तो दे दे। 700 रुपए वैसे तो घाटा है, पर अब आपकी बात चाल में तो नहीं सकता है। और वैसे भी आपकी खुशी से बढ़ के थोड़ी ना है कुछ चरणदास के लिए ऐसा। हाँ तो बाबू जी, रुपए जब तक मिल जाएंगे? बहुत जल्द मिल जाएंगे, बहुत जल्द। तो आगे जाता हूँ बहुरानी, आगे भी याद कीजिएगा चरणदास को। राधे राधे। आज तो किसी अच्छे का चेहरा देखकर उठी थी, दो चीजें मुफ्त में हाथ लग गए। मेरा ही देखा होगा। मुफ्त क्यों, क्या देने नहीं पड़ेंगे? पैसे तो अम्मा देंगी। तुमने यही सोच के चीजें खरीदी ना, अगर अम्मा को देना होता तो दे देती। वो भी क्या बिगड़ा है, तुम्हें इन्हें वापस कर दो, कह देना पसंद नहीं है। अब रख भी, जब ले ली है तो वापस क्या करना। नहीं चादर देकर ही पैर पसारना चाहिए ना, एक नई विपत्ति मोल ले ली। कोई बात नहीं, जाओ खाना।